बात भोपाल की करते हैं बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने माफी मांगी है ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी विवादित बोल उनके सामने आए थे और अब बीजेपी की शक्ति के आगे झुके हैं प्रीतम लोधी बीजेपी नेता प्रीतम लोधी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तलब किया था उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे और उनके सामने ही उन्होंने माफी मांगी है तो एक दिन पहले विवादित बयान और दूसरे ही दिन माफी साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता है और लगातार चर्चाओं में बने हुए दरअसल कुछ क्या है कि नजदीक चुनाव है कुछ कांग्रेसी लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ पेश किया है क्योंकि चुनाव नजदीक है भारतीय जनता पार्टी में विकतन फैलाना इनका काम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है उन्हें लग रहा था कि अब पिछोर सीट भी जाने वाली है तो पिछोर के कुछ कांग्रेसियों ने यह षड्यंत्र रचा अगर वास्तव में ही मेरे पूरे बयान को पूरी सीढ़ी को देखा जाए तब उसमें मालूम पड़ेगा मैंने किस प्रकार कहा कैसे कहा अगर वास्तव में उसमें मेरे से गलती हुई है तो मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं और ब्राह्मण समाज से पूरी ब्राह्मण समाज से मैं क्षमा याचना मांगता हूं। लेकिन आ, क्या मुलाकात हुई आपकी बीडी शर्मा जी से मुलाकात हुई किससे मुलाकात हुई क्या 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 जवाब तलब हुआ मैं, मैं जैसे ही ग्वालियर से चला मेरे को माननीय उमा भारती जी ने बुलवाया उमा भारती जी ने मुझे डाटा समझाया उनने कहा कि पहले जाइए पार्टी में जवाब दीजिए फिर ब्राह्मण समाज से माफी मांगिए ब्राह्मण समाज हमारे देश की सर्वोच्च समाज है और इसके आशीर्वाद लीजिए प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई बी डी शर्मा जी से बी डी शर्मा जी को मैंने पत्र दे दिया है अपना जवाब लिखकर और उसमें मैंने पूरे ब्राह्मण समाजों से माफी मांगी है लेकिन जो जो माफ़ी मांगने की आपने बात कही है उस समय क्या चल रहा था मन में जब अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ी मांगना चाहिए मैं तो ये चल रहा था मेरे दिमाग में अगर गलती की है तो मैं माफ़ी मांगूंगा उमा जी के कहने पर मांगी उमा जी ने समझाया डाटा मुझे और फटकारा उमा जी ने उन्होंने कहा मैं भी तो एक कथावाचक हूँ उमा जी भी कथावाचक रही है ना उन्हें हूँ कथावाचक के समय लोगों को ज्ञान देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अगर की है तो जाके माफी मांगी चलिए प्रीतम लोधी है और इन्होंने कह रहा है कि मैंने माफी मांगी है और लगातार ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया था जवाब भी उनको लिखित में दिया है आशीष खरे के साथ मनोज सैनी बंसरी भोपाल चलिए और ज़्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जी जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि गलती हुई है तो गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ उमा जी ने फटकारा लिखित में उन्होंने जवाब दिया लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है उस बयान का अब उन्हें भी खेद है कि बोलते बोलते वो क्या बोल गए अब खुद माफ़ी भी मांग रहे हैं देखिए हमें लगता है आप याद कीजिए विजय ऐसे कई बयान हैं जो पहले दिन बोल दिए जाते हैं बाद में जब वो चलते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें कांट-छांट कर दी गई जो चीज़ें दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाई गई ये पहला मौका नहीं है इसके बाद फिर समझ भी आता है क्योंकि फिर ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि जिस पार्टी के कारण जिस नाम के कारण हम इतनी बड़ी बात कह गए वहीं नहीं रहेंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी तो हमें लगता है यही प्रीतम लोधी को समझ भी आया है और उमा भारती के नज़दीकी हैं तो उमा भारती जी ने भी समझाया होगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विपरीत या जो धारा है उसके विपरीत जो भी गया है तो कई ऐसे बड़े चेहरे कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें कही कहीं ना कहीं भुगतान भी करना पड़ा है और इसीलिए प्रीतम लोधी का जो बयान आया एक बड़े समाज वर्ग के लिए है और ऐसा बयान पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी पार्टी तो ये चाहेगी 2023 में सबको साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़े ऐसे में यदि पार्टी का ही एक नेता मंच से ये बातें कहे और वो भी उस क्षेत्र में चंबल ग्वालियर में जहां बहुत ये सब चीज़ें चलती है तो हमें लगता है बहुत ही गंभीरता से पार्टी ने भी लिया है इसीलिए उनको लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी लिखित में देना पड़ा लिखकर बी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष को उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के सामने बंसल न्यूज से भी बात करते हुए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी लेकिन ये समझना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति कि पहले जरा कहा भी जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो तो हमें लगता है कि उनने तोल भी लिया और उसके बाद अब जब भी बोलेंगे तो शायद ठीक बोलेंगे जो कि इतनी नसीहत भी मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको समझा भी दिया